हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरिजन मैसेज ग्रामर में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ वॉच वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पहले जाने नेगेटिव सेंटेंस में होता है क्या। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य, जिस बात को इनकार किया जाता है, मना किया जाता है, माना नहीं जाता, उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो वॉच वर्ब का प्रयोग तब करते हैं जो वाक्य के अंत में था थे आता है। ये आपका टेंस में पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो होता है वॉच वर्ब होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, था थी थे। तो इसको प्रयोग करने का मैं रूल बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा हूँ समझा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए एक वचन कर्ता होता है। एक वचन कर्ता इसमें आई भी माना जाता है। सबसे नया बात क्या है, आई, क्योंकि आई हर एक जगह क्या होता है प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, लेकिन आई यहाँ पर सिंगुलर माना जाएगा। आई के साथ आपको वाज लिखना है, इसी नाते इसमें मैं लिख दिया आई ही सी इट। बाकी सिमिलर सब्जेक्ट के बारे में जितना आपको मालूम होना चाहिए, एक वचन कर्ता अगर आपको मिल रहा है तो आपको लिखना है नहीं की अंग्रेजी वाज नॉट लिखना है, यानी कि नहीं था अंग्रेजी वाज नॉट लिखना है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन कर्ता है, एक से अधिक लोग हैं, वस्तु है, प्राणी है, व्यक्ति है, तब आपको लिखना है वेयर नॉट। यहाँ पर लिख दिया वी माने हम, वी माने तुम, दे माने वे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो इसके साथ आपको लिखना है वर नॉट, वेर नॉट ना पढ़ के इसको वर नॉट पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ, उदाहरण दिया हूँ, मैं इसको समझाता हूँ कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो करते हैं किनारे से नहीं करते हैं, इसका रूल है आपको पहले लिखना है शेर। शेर का लिख के फिर था थी थे का अंग्रेजी लिखे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जो आपका नाउन आया है पहले उसको लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर आपका जो बीच में बच्चा है उसको बाद में लिखा जाता है। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहेगा ही। तो यहाँ देखो शेर भूखा ना था या नहीं था, तो शेर यहाँ पर सिंगुलर माना जाएगा। अगर होता शेर भूखे नहीं थे, इसका मतलब क्या होता है, तो शेर कई है, लेकिन यहाँ पर शेर भूखा ना था मतलब एक ही शेर है, तो आपको लिखना होगा द लायन, एल आई ओ एन। जब आपने सिंगुलर मान लिया है तो था इंग्लिश आपको वाज लिखना है, और निगेटिव होने के नाते ना के अंग्रेजी आपको लिखना है Not, the lion was not, भोगा अंग्रेजी होता हंग्री, एच यू एन जी आर वाई फुल स्टॉप। फिर देखेंगे दूसरा क्या, पक्षी बाग में नहीं थे, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। अगर होता पक्षी बाग में नहीं था तो मतलब एक ही पक्षी बात होता, लेकिन यहाँ पर बोला गया पक्षी बाग में नहीं थे, थे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ढेर सारे पक्षियों की बात हो रहा है। तो यहाँ पर पक्षी का इंग्लिश होता है बर्ड, तो द बर्ड्स लिखेंगे, लेकिन आपको जोड़ना होगा बर्ड्स, क्योंकि इसको आप प्लूरल मान लिए नहीं थे मतलब ढेर सारे पक्षी की बात हो रहा है, द बर्ड्स। अब जब आप प्लूरल मान लिए तो वाज नॉट लिखोगे, वर नॉट लिखोगे, सीधी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर नॉट लिखना है, वर नॉट। अब कितना इंग्लिश हो गया, पक्षी नहीं थे का इंग्लिश हो गया। अब आपका जो बीच में बसता है उसका इंग्लिश लास्ट में लिखा जाता है, एक किनारे सर्विस कभी मत बनाना। तो इसमें भी बाग में, तो में का इंग्लिश पहले लिखा जाता है, कहीं भी हो बाग में, कमरे में, विद्यालय में, तो आप इन जो हो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दावे लगा देते हैं इन द गार्डन, इन द गार्डन जी आर डी ई एन फुल स्टॉप। फिर देखेंगे मैं वहां नहीं था, तो मैं का इंग्लिश तो आई होता है, यहाँ बता चुका हूँ आई यहाँ पर सिंगुलर माना जाता है, जिसके नाते आई के साथ वाज लिखा जाता है इसमें सीबीसी में, बाकी हर एक जगह आई प्लूरल माना जाता है। आई के बाद वाज लिख दिया, फिर नहीं का अंग्रेजी लिख दीजिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लिखेंगे, आई वाज नॉट, मैं नहीं था, तो यहाँ पर है वहाँ, मतलब कहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, आई वाज नॉट, वहाँ का होता है देयर, टी एच ई आर ई देयर, और यहाँ का होता है तो हेयर हो जाता है, ये टी हट जाएगा। प्रश्न आसान नहीं था, अगर होता प्रश्न आसान नहीं थे, इसका मीन्स क्या, एक से अधिक प्रश्न थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आसान नहीं था मतलब ये कि कोई क्वेश्चन कहीं था, जिसके नाते आपको लिखेंगे क्वेश्चन या द क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर मान रहे हैं कि एक के प्रश्न था, तो क्वेश्चन के बाद आपको था अंग्रेजी लिखना होगा वाज, और फिर नहीं के लिए नॉट, क्वेश्चन वाज नॉट। आसान का होता है इजी, ई ए एस वाई फुल स्टॉप। फिर है वह बच्चा भूखा नहीं था, यहाँ पर पॉइंट वाली बात क्या है, तो वहाँ बच्चा अंग्रेजी एक साथ लिखोगे, तो यहाँ पर अगर आप ही लिख देते हैं ही चाइल्ड तो गलत माना जाएगा, इसमें इशारा है,
तो वहां की इंग्लिश यहाँ पर दैट लिखते हैं। सारा अगर हम बोल रहे हैं तो दिस दैट का प्रयोग करते हैं या दिस दोज का प्रयोग करते हैं। इसी के नाते ही चाइल्ड ना लिख के क्या आपको लिखना होगा, दैट चाइल्ड। अब चाइल्ड जो होता है सिंगुलर में आता है क्योंकि वह बच्चा मतलब एक ही बच्चा बोला जा रहा है, जिसके नाते आपको लिखना होगा वाज और नहीं के लिए नॉट। तो हो गया वह बच्चा नहीं था, क्या नहीं था, भूखा। भूखा के लिए होता है HUNGRY, हंग्री। तो स्टूडेंट ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में होगा। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।